मॉडल्स के बारे में कुछ जानना चाहें तो सबसे पहले होता है एज डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स. इट मीन्स अ मॉडल इज अ टाइप ऑफ वर्क दैट इज यूज टू इंडिकेट मॉडलिटी. अब मॉडल क्या होता है? एक वर्ब जैसा होता है जो स्पेशली इसके लिए यूज किया जाता है, इंडिकेट मॉडलिटी. मतलब एक ऐसा किसी भी चीज की मॉडलिटी जो मॉडल्स को इंडिकेट करता है हमारे. अब नॉर्मल से वर्ड्स में बोला जाए तो हमारे मन में जो थॉट्स होता है, हमारे जो मन में हम सोचते हैं वही हमारे मॉडल है. अब थॉट कैसे मॉडल हुआ तो यही चीज देखते हैं. दैट इज लाइकलीहुड, जो हम क्या करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं. अबिलिटी, जो हमारे में क्षमता होती है. परमिशंस, इफ यू विल बी गिव परमिशंस टू एनीवन, जो हम किसी को भी अनुमति देते हैं. रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशंस और एडवाइस, ये सब क्या होता है, इस कॉल्ड मॉडल. एक वर्ड्स में बोला जाए तो मन की बात, हमारी जो विश है, हमारी जो डिजायर, हमारा जो सजेशंस, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑल इस कॉल्ड मॉडल. ये सब चीज को ही मॉडल्स बोला जाता है. अब मॉडल्स यार, हमने तो मॉडल्स कैन क्यों पढ़ा है ना. हाँ, वो मॉडल्स होते हैं. तो मॉडल्स कितना होता है, ये मॉडल्स डेफिनेशन दिया गया है. अब मॉडल्स, अब मॉडल्स कितने होते हैं, सो मॉडल्स आर 13. अब कौन कौन सा मॉडल, कैन, कूड, मे, माइट, सेल, सुड, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, नीड टू, डेयर एंड हैव टू, ये हमारे 13 मॉडल्स होते हैं. तो यार हमने यहाँ पे जान लिया ना कि मॉडल्स किसको कहते हैं, मॉडल्स कितने होते हैं. तो इसलिए हमने जान लिया. तो लेट्स सी एन एग्जांपल. अब देखते हैं कि मॉडल्स क्या होता है. यू कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स मैं अदर पीपल से कहता हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द सेकंड पर्सन. यू कैन स्पीक इंग्लिश कि तुम स्पीक क्या कर सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो. मतलब मैं श्योर हूँ ना कि वो क्या कर सकता है, तुम इंग्लिश बोल सकते हो. इट मीन्स दैट कैन, हियर आई यूज कैन, दे हैव अ टेलिंग अबाउट हिज अबिलिटी. जहाँ इसमें कैन लगा तो वो सामने वाले पर्सन की अबिलिटी को बता रहा है कि उसमें क्षमता है, अबिलिटी है कि वो क्या करेगा, वो इंग्लिश बोल सकता है. इट मींस इट्स कैन एज द शोइंग ऑफ अबिलिटी अबाउट द अदर पर्सन. तो ये जहाँ पे कैन लगा तो ये अबिलिटी को शो करता है. यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए. यार दोनों का मीनिंग तो सेम हो रहा है ना, कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए. बट इट इज नॉट अ एडवांस, इट इज नॉट अ अबिलिटी, इट इज अ सजेशन. हम किसी भी दूसरे पर्सन को क्या कर रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए. होता है ना कि हम कोई पीपल होता है जो इंग्लिश ना बोलता है तो हम उसको एडवाइस करते हैं, जैसे सलाह. तो वहीं से यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है, व्हाट यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए. तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, सुन, एंड दिस वन इज कैन, सो दिस इज योर मॉडल. और यही हमारा मॉडल होता है. अगर हमने कैन में बैठे क्या होता कि स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो, तो ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हो जाता. तो वैसे हमने सिर्फ दो वर्ड्स लगा दिए, कैन एंड सो. तो इनकी जो क्या होती है, जो मीनिंग है, जो बोलने का सेंस है, वो बिल्कुल बदल गया. तो आइए अब हम जानेंगे बहुत सारे ऐसे जो हमारे 13 मॉडल्स हैं उनके बारे में. नाउ वी विल सी यूज ऑफ मे एंड यूज ऑफ कैन. अब दोनों का मतलब ये होता है, हिंदी में बोलते हैं तो सकना, ठीक है. बट हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ मे का यूज कैसे होता है. सो मे का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ परमिशन. व्हाट परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड विश विद ब्लेसिंग. तो परमिशन क्या होता है, जिसको हम अनुमति बोलते हैं. एज पॉसिबिलिटी, जिसको हम संभावना बोलते हैं. एंड विश और ब्लेसिंग, यू नो वेरी वेल, जिसको दुआ बोला जा सकता है. अब तो ये याद रखना, जब बी यूज ऑफ मे सो दे विल बी यूज फॉर
फॉर्मल मैनर। अब फॉर्मल मैनर क्या हुआ, ऑफिस स्कूल एज अ डिपार्टमेंटल दैट इज कॉल्ड टू फॉर्मल। हम जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स राइट करते हैं ना, वैसे ही मे का यूज हमेशा फॉर्मल के लिए यूज होता है, फॉर्मल मैनर्स के लिए। और जैसे कैन का यूज करते हैं वो इनफॉर्मल मैनर्स में होता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, यूज ऑफ मे का, तो वो फॉर्मल मैनर्स में होता है विद थ्री। जब भी आपको याद करना ही पड़ेगा कि यूज किसके साथ होता है, मे का, परमिशंस, पॉसिबिलिटी एंड ब्लेसिंग और विश। सो फर्स्ट वी विल सी, मे आई आस्क यू क्वेश्चन सर, सो व्हाट इज दिस, या हम किसी सर से आस्क कर रहे हैं, मतलब स्कूल, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, ऑफिशियल हो गया। तो हम क्या पूछे, मैं आस्क यू सर, मैं आस्क यू क्वेश्चन सर, क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ सर, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, इस परमिशन, हम उनसे अनुमति ले रहे हैं कि हम क्या उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वैसे हमारा सेकंड क्या है, मे आई गो आउट सर, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन सेंटेंस, इफ यू विल बी गो आउट फॉर एनीथिंग एल्स, सो दैट टाइम्स व्हाट यू विल बी डू, वी विल बी यूज मे आई गो आउट सर। जैसे होता क्या है, हमको अगर बाहर जाना है तो हम मे आई गो आउट सर करके, या फिर मे आई गो आउट मैम, इस तरीके से हम आस्क करके बाहर चले जाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, इस बोथ परमिशन, ये दोनों किसके तरीके से काम हो रहा है, परमिशन के लिए। तो वैसे हम आ जाते हैं थर्ड, मे बी ही इज राइट, शायद वो सही है, सो व्हाट इज दिस, इट्स सो अ पॉसिबिलिटी, इट मींस संभावना, ये पॉसिबिलिटी शो करा रहा है कि हाँ शायद वो सही हो सकता है, मे बी इज राइट, दैट इज सो अ पॉसिबिलिटी, मे बी टुडे इज टुडे विल बी रेनिंग, शायद आज बरसात हो सकेगी, ये फिर या हो सकती है, मे बी टुडे इज रेनिंग, तो ये क्या है, सिर्फ पॉसिबिलिटी शो कराता है। वैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स। आई टोल्ड यू एज स्पेशली इन योर प्रीवियस वीडियो और एनीथिंग एल्स, नाउ आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल बी वर्क हार्ड सो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। वैसे ही तो मैं ये भी क्या बोला जा रहा है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम क्या करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, वर्क हार्ड करते हो, देन यू मे गेट गुड मार्क्स, तुमको बिल्कुल क्या होंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ये आता है, तो ये बताया जा रहा है कि आपका हार्ड वर्क कभी भी क्या नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। तो वैसे ही ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना बताया जा रहा है कि तुम हार्ड वर्क करोगे तो जरूर तुमको अच्छे मार्क्स। सो दिस इज योर अनदर पॉसिबिलिटी। एंड नाउ नेक्स्ट, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, इट मींस अनदर पॉसिबिलिटी। यहाँ पे फिर से दोबारा क्या बताया जा रहा है, पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि आज वह आ सकता है। नाउ नेक्स्ट, मे गॉड प्लेस यू, यार अपनी पढ़ लिए परमिशंस पढ़ लिए, नाउ दिस थ्री हैव अ पॉसिबिलिटी, अब हमारा क्या बचता है, एज अ विश और ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग अबाउट थर्ड पीपल्स, अबाउट द सेकंड पर्सन, सो व्हाट इज दैट, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो ये क्या है, इस कंप्लीटली ब्लेसिंग, ये हमारा आशीर्वाद होता है कि हम किसी से हम क्या कहते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारा क्या होता है, विश और ब्लेसिंग। नेक्स्ट इज, मे यू लिव लॉन्ग, किसी का बर्थडे है या फिर और कुछ हो तो हम ब्लेसिंग के थ्रू क्या करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तो लंबे समय तक जीवित रहो, दैट इज आल्सो आवर ब्लेसिंग। सो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, यूज ऑफ मे इज वेरी इजी, ओनली यू विल बी डू एंड ओनली यू विल बी रिमेंबर दिस थिंग, परमिशंस, पॉसिबिलिटी एंड विश और ब्लेसिंग। बट इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज दैट वन फॉर्मल मैनर, आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि आप कहीं भी मे का यूज होता है
तो वो आप समझ जाओ कि वो फॉर्मल मैनर्स में होगा, और उसमें आपको थ्री थिंग्स याद करने पड़ेंगे, परमिशंस, पॉसिबिलिटी एंड विश और ब्लेसिंग। नाउ वी विल सी यूज ऑफ कैन। अब हम क्या देखेंगे, कैन का यूज देखेंगे। तो कैन का जस्ट अपोजिट है, जैसे हमने देखा कि यूज किसका, मेक इनफॉर्मल वे, तो हम देखेंगे कैन इनफॉर्मल मैनर्स में, जस्ट अपोजिट। अब इनफॉर्मल मैनर्स क्या होगा, या फ्रेंड्स को यार तू ये तो कर सकता है ना, इट्स वेरी इजी फॉर यू, तो वो फॉर्मल नहीं हुआ, वो इनफॉर्मल मैनर्स में हुआ। जैसे हमने फ्रेंड्स, एज अ कजन, ये सब चीज़ उसे करते हैं ना, वो इनफॉर्मल मैनर्स में आता है। इनफॉर्मल मैनर्स में हम दो चीज़ों का यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी एंड सेकेंड वन परमिशन। ओ यार हमने तो यहाँ भी परमिशंस पढ़ा है, तो हम दोनों का मीनिंग भी तो सकना ही होता है, तो डिफरेंस कैसे हुआ? तो हाँ, डिफरेंस उन चीज़ों में बिल्कुल अलग होता है। अब इससे पहले हमने आस किया, तो हम कैसे आस कर रहे थे, अबाउट अ फॉर्मल, किसी भी ऑफिशियल में आस किए तो वहाँ पे मे होता है, चाहे आप रिसेप्शनिस्ट के थ्रू क्यों करो या कुछ नहीं, मैं हेल्प यू सर, वो एक रिसेप्शनिस्ट करता है ना, तो रिसेप्शनिस्ट जब हेल्प किया तो भी एक फॉर्मल में आया। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ देखेंगे, कैपेसिटी एंड परमिशन। तो कैपेसिटी जो हमारी क्षमता को शो करता है ना, व्हाट वी हैव अ करेज, कि हमें क्या करेज है। अब देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इट मीन्स आई हैव करेज, सो आई कैन डू, मेरे में करेज है इसलिए मैं वो कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट इज आई कांट अंडरस्टैंड योर थॉट, व्हाट यू आर थॉट, व्हाट यू हैव थिंकिंग, व्हाट यू वांट टू थॉट, सो आई कांट अंडरस्टैंड, मैं उस क्या तुम्हारे थॉट्स को, तुम्हारे विचार को नहीं समझ सकता, मतलब मेरे में कैपेसिटी है ही नहीं कि तुम्हारे थॉट को समझ पाओ। ये हमारे क्या है, कैपेसिटी को शो करता है। नेक्स्ट इज सी कैन नॉट कुक गुड फूड, वो अच्छा खाना नहीं बना सकती, इट मीन्स सी हैव अ कैपेसिटी फॉर अ गुड फूड, मतलब उसकी ये कैपेसिटी है ही नहीं कि वो अच्छा खाना बना सके। तो सो यही करता है ना कि उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो अच्छा खाना बना पाए, तो ये हमारे लिए परमिशन तो शो नहीं कर रहा है, वो उसकी काबिलियत बता रहे हैं, कैपेसिटी बता रहे हैं, काबिलियत कि वो अच्छा खाना बना नहीं सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज दे कैन गो होम, मतलब वो घर जा सकते हैं, तो ये क्या हुआ, दे कैन गो, वो घर जा सकते हैं, तो ये क्या शो कर रहा है, इनकी कैपेसिटी, काबिलियत शो कर रहे हैं कि वो घर जा सकते हैं, दे हैव अ कैपेबिलिटी, सो दे कैन गो अलोन, वो अकेले जा सकते हैं या फिर कोई भी हो, तो वो बता रहा है कि उनकी कैपेसिटी है। अब देखते हैं हम एज अ परमिशन, कैन आई टेक दिस, अब यार अपने फ्रेंड से या फिर कजन से कुछ भी मांगते हैं, यार तू मुझे अपनी बाइक दे सकता है क्या, तो वैसे ही बोलते हैं कैन आई टेक दिस, क्या मैं ले सकता हूँ। अब ये फॉर्मल नहीं हुआ ना, ये इनफॉर्मल मैनर्स में आता है, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन आई रीड योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक पढ़ सकता हूँ, तो ये क्या हुआ, दिस आर परमिशन एंड दिस इज आर कैपेसिटी। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हुए, हाँ परमिशन तो दोनों में हुआ, लेकिन ये परमिशन हुआ है तो इनफॉर्मल मैनर्स में, और फॉर्मल मैनर्स के परमिशन में आपको डिफरेंसेस यही जानना है कि यार बहुत ईजी, जब ऑफिशियल आता है तो वो इनफॉर्मल मैनर्स नहीं होगा, वो हमेशा फॉर्मल मैनर्स में होगा, और जब फ्रेंड्स, कजन्स, ब्रदर्स एक्सेट्रा ये सब आएंगे तो वहाँ पे इनफॉर्मल मैनर्स में हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज इफ यू हैव आस्क परमिशन एंड टीचर्स और ऑफिशियल्स विल बी रिजेक्ट योर परमिशन, दैट टाइम नॉट यूज ऑफ मे, दैट टाइम यूज ऑफ कैन, यू कांट गो। अब जैसे मैंने पूछा है हमारा क्वेश्चन क्या था, मे आई गो आउट सर, बट सर अगर रिप्लाई करते हैं तो मे यू मे यू नॉट गो नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेगा, यू कांट गो, तुम बाहर या फिर तुम नहीं जा सकते, यू कांट गो आउटसाइड, तुम बाहर नहीं जा सकते,
तो जब भी कोई भी परमिशंस को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है और नेगलेक्ट किया जाता है, स्पेशली फॉर रिजेक्ट दैट टेंस ऑलवेज यू विल बी यूज कैन नॉट अ मे। रिजेक्ट करने के लिए एक ही वर्ड में माइंड में रखना, किसी भी परमिशंस को रिजेक्ट करने के लिए ऑलवेज कैन परमिशन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।